हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जिसका नाम है एंशियंट इंडिया हिस्ट्री पार्ट वन, ह्यूमन बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें इंडस वैली से पहले के जितने भी ह्यूमन की एक्टिविटीज थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और SNV के द्वारा आपको पता है हमारा चैनल स्टूडियस एंड वैली एट क्लासेस, आइए इसको सब्सक्राइब कीजिए, पहले कह दे रहा हूँ मैं। और आइए अब अचीव करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, ओरिजिन कहाँ से हुआ था इंसानों का? ये ओरिजिन था, वो कहा जाता है कि इस जगह अफ्रीका के इस जगह से इंसानों का ओरिजिन हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में कि लोग पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और जाने कहाँ कहाँ गए। कुछ लोग इधर आए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, कुछ लोग आए इंडिया, और कुछ लोग गए उसी टाइम पर यूरोप और मेडिटेरियन सी की तरफ। साथ ही साथ कुछ लोग आप देखेंगे तो काफ़ी समय हुआ और बाद में पहुँचे साउथ अमेरिका तक, नॉर्थ अमेरिका से होते हुए। आप एक चीज़ में गौर करेंगे कि जितने भी रूट हैं वो सभी लैंड से होकर गए हैं। ये भी देखिए, ये भी लैंड से गया है। बाकी सभी भी जो रूट हैं वो सभी लैंड से ही होकर गए हैं। आपको कोई भी रूट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो लोग ऐसे पानी से सीधे पहुंच गए हैं यहाँ पर। कारण ये था कि उस समय हो सकता है कोई शिप नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि लोगों को तैरना भी ना आता हो, वो जो भी रहा होगा। अब बात आती है कि लोग आखिरकार माइग्रेट हुए ही क्यों? यहाँ पर भी तो इतनी अच्छी जगह थी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट थे, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन लोग यहाँ से आखिर गए तो गए क्यों? तो इसका भी एक ही कारण है कि एक नहीं, इसके कई सारे कारण हैं। चार कारण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसके भी मैं आपको ही बताते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला वाला है कि हैबिचुअल। देखिए, आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन के बारे में सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है कि लोग होते हैं एक जगह किसी खेती करते हैं, उसके बाद में फिर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे होता है। और फिर क्या करते हैं वो लोग कि मान लीजिए वहाँ से छोड़ के चले गए कहीं और, फिर उन्होंने बसेरा बसा लिया, फिर वहाँ से छोड़ के फिर वहीं वापस आ गए या फिर कहीं और चले गए। तो ऐसा ही लोग करते हैं, उसको ऐसे कुछ तरीकों कह सकते हैं हैबिचुअल, कि वो लोग आदि हों, एक जगह रहने के आदि हों ही ना, अलग अलग जगह घूमने के, अलग अलग जगह जाने के, घुमक्कट तरह की उनकी प्रवृत्ति हो, उस तरह की उनकी आदत हो, और वो उसी को कंटिन्यू करने के लिए चले गए हों। तो ये तो था हमारा पहला वाला रीज़न। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, लिविंग प्लेस। अब मान लीजिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सर्दियों बहुत अच्छा है, गर्मियों बहुत अच्छा है, लेकिन बरसात के मौसम में वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर बरसात के मौसम वहाँ पर पानी भर जाता है, या फिर बरसात के मौसम में वहाँ बरसात होती ही नहीं है, या फिर बरसात के मौसम में जो नदी है वो भर जाती है, इतनी ज़्यादा भर जाती है बाढ़ आ जाती है, या फिर गर्मियों में वो सूख जाती है, या सर्दियों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हो सकते हैं इसकी वजह से जो लोग यहाँ नेटिवली रहते थे उन्होंने इस जगह को छोड़ना पसंद किया होगा और कई जगह पर जाना शुरू किया होगा। तो दूसरा रीज़न लिविंग प्लेस इससे संबंधित है कि जिस जगह पर रहते थे वो उनके कम्फर्ट के अनुसार चेंज हो गई हो, या फिर उनका कम्फर्ट जो होता वो चेंज हो गया हो, अब वो उसमें बिल्कुल ना हो। ये थर्ड और फोर्थ जो है वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें क्या है, खाना और पानी। फोर्थ वाले में खाना है और तीसरे में पानी। अब पानी की अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिक नीड है कि उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी को जब किसी, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वो नदी ही सूख गई, तो फिर आप कहीं ना कहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, या फिर आपको पता है कि यहाँ से भी ज़्यादा पानी वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर चले जाएँ। सेम इसी तरह से जैसे कि आप इस इंसान को देखिए, ये पूरा अपना धनुषवाण लेके तैयार है कि इसको कैसे भी कहीं खाना मिले, भूखे पेट ये चला जा रहा है, कह रहा है कि मेरे को कहीं खाना चाहिए। तो फूड की तलाश में हो सकता है वो लोग एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह जाते चले गए हों अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये थी इस स्लाइड की बात। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं भारत की। ये लोग वहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थे, लेकिन ये भारत में कैसे आए? तो देखिए, भारत का मैं आपको बता दूँ, भारत की जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो इस तरह से है कि कोई भी यहाँ से नहीं एंटर कर सकता। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने यहाँ से एंटर किया है, वो हैं शायद हुंस के अलावा, और ये जो चाइना का वॉर हुआ था से वही लोग हैं, ऐसे हुंस भी चाइनीज थे जो लोग यहाँ से आए हैं। बाकी के अगर आप देखेंगे तो कनिष्क रहा, और आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहीं थी। आज भी जो पाकिस्तानी घुसपैठी आते हैं वो भी यहीं से आते हैं, कारण उनका सिर्फ एक है कि, और गजनवी वगैरह वो भी सभी यहीं से आए थे, मुगल्स भी यहीं से आए थे। कारण ये है कि यहाँ पे है आपका नेचुरल बैरियर, दैट इज कॉल्ड हिमालय, और ये है उसका एक्सटेंशन तक। यानी ये तो आपको नेचुरली वॉल मिली हुई है, आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको नेचर ने ऑब्वियसली दी हुई है नेचुरली। अब बात आती है कि आपको यहाँ से क्या है, अब यहाँ से आप कितनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सैनिक रह सकते हैं, उन सैनिकों को हो सकता है मार दे, उनको खत्म ही कर दे यहाँ से, और फिर हो सकता है वो घुसाए अंदर। तो ऐसा ही रहा था, और जो पुराने वाले लोग आए थे वो भी यहीं पर आए थे, इसलिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात आती है कि वो लोग यहाँ से हो सकता है गंगा की तरफ आए हों कुछ लोग, और हो सकता है कुछ लोग नर्मदा की तरफ आए हों, क्योंकि जो आपके एविडेंसेज हैं वो बताते हैं कि जो सबसे पहले लोग थे वो तो रहते सुलेमान और किरथार पर, यहाँ सुलेमान और किरथार रेंजेस हैं इधर, अभी मैप में तो नहीं है लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इसी तरफ हैं सभी,
और वो लोग सबसे पहले तो वहां रहे, उसके बाद वो रहे इधर गारो खासी जयंतिया, ये जो तीन हिल्स हैं इन पर ये एक दावजली हेडिंग की जगह भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो उस जगह पर सबसे पहले रहे। अब इसके बाद में क्या हुआ, इन जगह पे वो लोग रहे और ये कहा जाता है सबसे पहले राइस की खेती हुई थी वो भी इसी जगह पे हुई थी। तो ये तो रही पहाड़ों की बात, लेकिन पानी की खोज में मैं बात करता हूँ पानी की, मैं नर्मदा नाम इसीलिए लिया था क्योंकि सबसे पहले एविडेंस है वो नर्मदा नदी के तट पर ही पाए गए हैं, जहाँ पे वो लोग सबसे पहले पानी की तलाश में आए होंगे भारत के अंदर, पानी की तलाश में वो कहीं पर रहे हैं तो वो है नर्मदा नदी का बेसिन। अब बात करते हैं भारत के नाम की, तो जो इंडिया नाम है वो इंडिया का किसने दिया हुआ, आपको लगता होगा कि अरे वो ब्रिटिश आए होंगे उसके बाद में इंडिया हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया का नाम सबसे पहले दिया था ग्रीक्स ने और वो भी दिया था इस नदी के लिए। ये जो नदी है इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु, SINDHU, आप जानते ही हैं इसकी स्पेलिंग में लिखनी होती है, फिर भी मैंने लिख दिया, तो SINDHU इस नदी का नाम था सिंधु। अब उन लोगों को क्या हुआ कि सिंधु बोलना नहीं आता था तो उन्होंने सेस को हटा दिया और कर दिया इसका नाम इंदस, ये ऐसा हटा के याद उड़ दिया और कर दिया इसका नाम इंदस। अब इंदस ये नदी और इसके इधर वाला हिस्सा ये पूरा पूरा इंडिया, तो मेन इंडिया लैंड इसी को बोला जाता था, भारतीय प्रायद्वीप इसको पूरे हिस्से को यहाँ से यहाँ तक बोला जाता था, ठीक है। बात का नाम ही उन्होंने बदल के क्या कर दिया, इंदस कर दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। बाकी जो आपका नेम है भारत हिंदी में जो हम लोग भारत लिखते हैं वो सबसे पहले जो मेंशन है वो है ऋग्वेद के अंदर, उससे पहले मुझे लगता कि इतनी कोई इम्पोर्टेंस रही होगी क्योंकि ऋग्वेद हमारा पहला वेद है और उसी के बाद में जितने भी किंगडम्स वगैरह रहे हैं उससे पहले शायद कबीले रहा करते होंगे और जहाँ इन सब की इतनी जरूरत नहीं रही होगी। सो भारत का जो नेम है वो कहाँ पर मैंशन है आपका ऋग्वेद में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आगे की, अच्छा मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पता हैं तो कहाँ से पता है, या कोई बच्चा पढ़ता है तो वो कहाँ से पढ़ता है, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने इतिहास की जानकारी लेते हैं, जैसे कि है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट सबसे पहली मनुस्क्रिप्ट थी वो लिखी गई थी बर्च की बाग पर, बर्च एक पेड़ है, बार्क उसकी छाल, उस पर लिखी गई थी। आप देख ही सकते हैं कितनी यहाँ पुरानी और ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। अब ये चीज़ें ख़राब ना हो, गले ना, सड़े ना, इसके लिए जो तब के राजा महाराजा रहे होंगे उन्होंने एक तरीका निकाला होगा। तरीका क्या कि क्यों ना इसको बर्च बाग या किसी की बाग वगैरह या लकड़ी पर नहीं, हम करते हैं इसको रॉक या मेटल पर। रॉक और मेटल पर आपको पता लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उकेरा जाता है क्योंकि इस पर लिखा नहीं आ सकता कभी भी, लिखोगे तो पेंट होता है, पेंट कभी भी झड़ सकता है वो, फिर इसी ऐसी हालत होती है और पेंट तो और इससे भी कम एज होती है पेंट की। तो क्यों ना उन्होंने कोशिश की कि ठीक है लिखने में टाइम लगेगा लेकिन मिटाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप तो कभी गए हो लाल किला या ताजमहल में, तो वहाँ पर आपने कभी किसी ने अपना नाम पत्थर से पत्थर पर लिख दिया होगा, उकेर दिया होगा, वो सालों साल रहता है। कारण यही है कि इस पर कोई भी चीज़ जो है वो उसका इस तरह का गड्ढा ही बन जाता है, इस तरह का छोटे छोटे ये गड्ढे होते हैं उनको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक बार हो गया एक तरह से पत्थर की लकीर जिसको बोला जाता है, तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है उसके लिए, ठीक। इनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जो भी पत्थर या फिर आपका मेटल पर होगा उसको बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं आगे आपके कॉइन्स और सील्स की, पहले इसको मिटा देता हूँ। कॉइन की अगर बात करूँ, आज आप अगर कोई सिक्का उठा के देखें, कोई भी सिक्का उठा के देख लें आप जो भारत का हो, तो उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैं आप साहब से कह रहा था वो दो चीज़ें क्या होंगी, वो होंगी एक साइड पर होगा लिखा हुआ भारत और एक साइड पर लिखा होगा इंडिया और बीच में होगा वो आपका अशोक स्तंभ। सेम तभी के सिक्कों पर भी कई सारे सिक्कों पर देखा गया, जैसे कि कनिष्क क्या करता था, कनिष्क एक साइड पर अपनी फोटो लगवा देता था, दूसरी साइड पर भाषा। और भी बहुत सारे राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो खैर सिक्के नहीं करवाए थे, लेकिन जिन राजाओं ने सिक्के करवाए थे वो कुछ ऐसा ही करते थे कि अपने अपने जो सिक्के होते थे उन पर एक तरफ अपनी फोटो या फिर बीच अपनी फोटो, अगल बगल उनकी भाषा में या पाली भाषा प्रकाश भाषा जैसी भी उनकी भाषा होती थी उस भाषा में कुछ ना कुछ लिखवा देते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता था कि ये किस राजा के टाइम के सिक्के हैं, यानी कितने पुराने सिक्के हैं, प्लस उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी। अच्छा इनको रोसेटा नाम की जगह है फ्रांस में, तो वहाँ पर ये पता चला कि भाई मान लीजिए हम कोई आज भाषा यूज़ कर रहे हैं वो है हिंदी, और या फिर हम जो आज भाषा यूज़ कर रहे हैं वो है उर्दू, और पहले की जो भाषा है वो है अरबी, तो उसको हम कैसे करेंगे रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड किया था रोसेटा में जो फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पर उन लोगों ने कैसे रिकॉर्ड किया था कि उन लोगों ने जो सेम तरह के लेटर होते हैं उनको एक साथ रखना शुरू किया। अब जब सेम तरह के लेटर हो गए, अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें ये पता कर लूँ कि मुझे इसमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, ओ पता चल गया और टी पता चल गया, तो फिर मैं यू को गैस कर सकता हूँ। तो इस गैसिंग वर्क के साथ और कुछ जो सेम तरह के लेटर्स थे उनको मिला के एक जो लिपि थी दूसरी लिपि के साथ में,
एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट के साथ में मेल करके, मिलाप करके और कंपेयर करके हमने चार चार जैसे पांच हैं तो उसमें से चार को किया, चार को पता कर लिया और पांच वाले को गैस कर लिया। इस तरह से हमने जो पुरानी जो हमारी स्क्रिप्ट थी उनको हमने डिकोड किया। ये रोसेटा की ये जगह वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज थी पहले यूरोप में जिनको कि डिकोड नहीं किया सकता था और आज बोली भी नहीं आती, तो उनको हमने इसी तरह से किया था। बाकी जो इजिप्ट में भी ये भाषाएं हैं जो उनको भी हम इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ अब आपको सील की बात। अब ये तो मैंने सिक्के की बात बताई, चलिए सिक्के पे ऐसा होता है, सील का क्या काम है? सील का काम है कि जब ट्रेड होता है, मान लीजिए यहाँ के किसी व्यापारी ने आपके बाहर कहीं व्यापारी को कुछ चीज़ भेजी, अब कुछ चीज़ भेजेगी तो उसको आज आप जैसे आज फ्लिपकार्ट और अमेजन से कुछ भी चीज़ मंगाते हैं तो वो ऐसी ही थी ओरिजिनली, उसका पता आपको कैसे चलेगा? जब उस पर ये सील लगी होगी, या आपको डाकघर से कोई लिफाफा आता है, कोई भी लेटर आता है तो वो सील बंद होता है। आपकी UPSC के एग्ज़ाम सील बंद, SSC के एग्ज़ाम सील बंद, सारे के सारे एग्ज़ाम क्या होते हैं? सील बंद होते हैं। अगर सील टूटी हुई है, फटी हुई है, इसका मतलब वो जो चीज़ है उससे छेड़छाड़ की गई है। सेम यही होती है, इस पर भी भाषा लिखी होती है, उस वो मेंशन करती है, अगर देखो भाई मैंने ये लिख के भेजा था, अगर वो इस पर मेंशन है तो ये एकदम ओरिजिनल माल है, अगर ये मेंशन नहीं है या फिर टूटी या फटी हुई है तो फिर इससे छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, तो ये इस सब के लिए किया जाता था। बात आती है ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं हमारे, ये करते हैं फाइट। इनको पैसा ही सरकार इसके लिए देती है कि आप जाएं और अलग अलग तरह की चीज़ें जाएं और फाइंड करके आएं। सरकार के अनुसार ये वो चीज़ें करते भी हैं, जैसे कि कहीं इन्होंने टूल्स ढूंढ लिए, कहीं इन्होंने यूटेंसिल ढूंढ लिए, कहीं इन्होंने स्टैच्यू ढूंढ ली। ये देखिए टूल्स, यूटेंसिल्स, ये स्टैच्यूज, और इससे पता चल जाता है इसका भी पत्थर होता है, इसका भी फॉसिल बनेगा, उसमें पता चल जाएगा कि ये कितना कितना ज़्यादा पुराना है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा पुराना एक लोहे का वो मिला हुआ था, हथौड़ा ऐसा कुछ कहा जाता है, जो कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा रॉ है वो लोहा, उसका भी ये फॉसिल मिला था, उसमें पता चल जाता है कि किस चीज़ का बना है और किस तरह का फॉसिल है। सेम हम यूटेंसिल्स के लिए यूज़ करते हैं, मिट्टी का था, किसका था और किस टाइम का था, ये भी हम पता चल जाता है, और क्या यूज़ होता था उस समय, उससे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उस समय मेटल यूज़ होते थे या नहीं होते थे या किस तरह गड़े थे। उसी तरह से हम फिर जैसा उनका जीवन रहा होगा उसका अंदाजा लगा लेते हैं। स्टैच्यूज होंगी किसी जगह, यानी कि तब का आर्ट एंड कल्चर कैसा था, तब के लोग कैसे रहते थे, क्योंकि स्टैच्यूज और पेंटिंग दो चीज़ ऐसी होती हैं जो इंसान देखेगा वही बनाएगा, जो इंसान देखेगा सोचेगा वही बनाएगा। आप कृष्णा की मूर्ति बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने या तो कहीं देखी है या आपने सोचा होगा कि श्री कृष्ण ऐसे होंगे। सेम ये गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति है, जो लोगों ने सोचा होगा या देखा होगा उस तरह से उन्होंने बनाई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा आपको समय में घुमाया है, इस घूमते हुए पहिए के साथ मैंने कहा ठीक है थोड़ी सी सैर की है समय की। तो ये एरो कुछ ऐसे है, आप पूरे में घूम के आएंगे तो वेरियस एरा। देखिए 2 मिलियन साल पहले, यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले कोई भी इंसान नाम की चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं थी, देयर वॉज नथिंग लाइक ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अब 20 लाख साल पहले क्या हुआ कि यहाँ पे इंसान आए और उस एज को हम क्या बोलते हैं, बेस्टीज, स्टोन्स और बेस्टीज, क्योंकि ये क्या थी, पाषाण काल, वो भी पैलियोलिथिक एरा। पैलियोलिथिक एरा मतलब कि जो कुछ था वो क्या थे, पत्थर, इसीलिए मैंने लिखा है कि स्टोन्स और बेस्टी। स्टोन बेस्टी का मतलब आप बैठे हुए फालतू, अभी मैं आपको फालतू बैठा दूँ तो कुछ नहीं करेंगे, दो पत्थर उठाएंगे उनसे खेलते रहेंगे और लास्ट में क्या होगा ना फेंक देंगे। सेम हो सकता है कि उसी तरह लोगों ने पत्थर लिया हो, एक से दूसरे को फेंका हो और आग निकल आई हो, आज जो हमारे पास आ गए वो हो सकता हमें वैसे ही मिल गई हो, क्योंकि अभी इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये इस समय आई थी मेसोलिथिक में आई थी या पैलियोलिथिक में आई थी, हमें अभी इसका कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो आग है वो इन्हीं दोनों के बीच में आई है और तब पत्थर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी पत्थर पे ही हम अपना मोस्ट ऑफ द जो टाइम होता था वो स्पेंड करते थे। ठीक है, बात आती है साइज ऑफ स्टोन की, तो साइज ऑफ जो स्टोन था वो काफ़ी बड़े होते थे। देखिए आप नीचे देखेंगे उसमें फोटो में, ये देखिए 1.7 मिलियन, 1.6 मिलियन, 1.25 मिलियन और 0.65 मिलियन। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें पत्थर का साइज काफ़ी ज़्यादा क्रूड है, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, देखिए साइज थोड़ी सी शार्प होने लगी, उस कारण देखिए पत्थर थोड़े और थोड़े से बेहतर होने लगे, जिसमें किसी को फेंक के मारो तो उसके गारंटेड चोट लगे। ठीक है, और ये देखिए ये तो इजी टू हैंडल और इजी टू थ्रो वाले पत्थर हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाए कि भाई इसको मैं आराम से पकड़ सकूँ और आराम से इसको फेंक सकूँ। ठीक है, तो पत्थरों का साइज स्टार्टिंग में कैसा था, काफ़ी ज़्यादा क्रूड था, और पत्थर का साइज कैसा था,
शेप जो था क्रूड था और साइज जो था वो काफी ज्यादा बड़े पत्थर थे, लार्ज पत्थर थे। तीन साइट है इसकी इंडिया में, जैसे लगा हुआ थ्री साइट इन इंडिया ओनली, मोस्टली एविडेंसेज आर इन अफ्रीका। ज्यादातर जो इसके एविडेंसेज है वो हमें कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका मिलते हैं। कारण ये है कि मैंने आपको बताया ये है जो जिंदगी की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, अफ्रीका के आसपास। तो तीन साइट इंडिया में कौन सी है, भीमबेटका है, हंस की है और कुर्नूल की केव्स, ठीक है। ये तीन साइट इंडिया में जो पैलियोलिथिक एरा की है। बाकी की देखते हैं मेसोलिथिक एरा में, तो मेसोलिथिक एरा जो 10,000 से 8,000 के बीच में है, ये कहाँ था, ये 2 मिलियन से 10,000 साल पहले की बात थी पैलियोलिथिक एरा। और मेसोलिथिक क्या है, 10,000 से 8,000 साल पहले की बात है। अब इसमें क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो अकर हुआ था भाई, क्लाइमेट चेंज हुआ था बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज हुआ तो घास बढ़ी तो जानवर बढ़े, और जानवर बढ़े तो क्या बढ़ी, हमारी हंटिंग। देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ द एनिमल्स, हैंस मोर हंटिंग। एंड जब आपकी आप बार बार हंटिंग करेंगे, यानी कि आप बार बार जो हमारे जानवर हैं उनसे आप क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। इंटरेक्ट होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार देखो कुछ तो जानवर ऐसे हैं जिनको आप नहीं मारें तो चलेगा, जैसे गाय है, भैंस है, और जैसे बकरी है, भेड़ है, इनको आप नहीं मारेंगे तो ठीक है चलेगा। मुर्गी है, आप मुर्गी को ले आए अपने घर पर, 10-20 मुर्गी पकड़ के ले आए, ठीक है, और आपने एक एक करके 10 दिन खा ली, 20 दिन खा ली, तो आपको रोज शिकार पर नहीं आना पड़ेगा। प्लस आप गाय भैंस को ले आए, आपका जब मन किया उसको काट के खा लिया, नहीं तो क्या है, जब तक वो दूध दे रही है, तो आपको ये पता चल गया कि यार देखो सभी जानवर ऐसा नहीं है जो अगर आप उन्हें नहीं मानेंगे तो आपको मार के खाएंगे। आप कुछ जानवर हैं लेकिन सभी नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग जानवरों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया होगा। अब पालना शुरू किया तो यहाँ से इसी एरा में शुरू होती है सेडेटिव लाइफस्टाइल। सेडेटिव यानी कि जिंदगी में रहकर जैसे आज हम जिंदगी गुजारते हैं, घर लेते हैं, घर के अंदर रहते हैं, वैसे हिंदी की शुरुआत कब हुई थी, मेसोलिथिक एरा में हो गई थी। और यहीं पर अर्ली एविडेंस मिलते हैं पॉटरी के, जो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं वो इस जमाने में बनना शुरू हुए थे। और एग्रीकल्चर जो है वो भी इसी जमाने में शुरू हुआ था। और जो वीट और बाड़े की, जो वीट और राइस की खेती है वो यहाँ पर सबसे पहले एविडेंट की गई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गारो एक हिल्स हैं, उनके आसपास ये किया गया था जो प्रीहिस्टोरिक स्लाइड में। और एग्रीकल्चर की कैसे शुरुआत हुई होगी, मान लीजिए आप जा रहे हैं, अब आपने हंटिंग तो इतनी करी नहीं है, तो आप वैसे ही घूम रहे हैं तो आपने ऐसे पत्ती उठाई या कुछ भी उठाया, जैसे आपने पत्ती उठाई तो पता चला ये तो पालक है और ये जहरीला नहीं है, उसको खा सकते हैं। तो आपने कहा इसको यार अपने घर के उधर ले आओ, अच्छी बात है यार, ये तो खाने पीने की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और भी ऐसी कई चीज़ होती हैं, फल होते हैं, आम खाया आपने, गुठली फेंकी उसका पेड़ उगाया आपने, फिर से उस पर आम होने लगे, तो आपने और ज़्यादा गुठलियाँ खाई, फिर उसके पेड़ उगाने शुरू कर दिए। उसके अलावा आप जैसे कुछ बीज ले आए, चावल के या गेहूँ के कुछ बीज ले आए, आपने कहा ये तो खाए जा सकते हैं, और आपने उन्हें खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो होने लगी, और इनका फ़ायदा भी हुआ ये कि इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। पत्थरों की अगर मैं बात करूँ तो पत्थर अब हो गए थे एकदम ब्लेड जैसे, ब्लेड यानी कि कुछ भी काट सकते हैं, वो आरी भी हो सकती थी, आरी जैसा ब्लेड भी हो सकता था, और जो हम शेविंग के लिए यूज़ करते हैं वैसा ब्लेड भी हो सकता था। तो इस तरह के जो ब्लेड थे, देखिए अलग तरह के पत्थर, अलग अलग तरह के शेप, लेकिन सभी देखिए एक साइड से एकदम एज हो गए, एक साइड से एकदम पहने होंगे। इस तरह के जो पत्थर थे उनका अब चलन शुरू हो गया था। कारण एक था कि अब समय गुजरता जा रहा था और इंसान हमारा मॉडर्न होता जा रहा था। बात करते हैं नियोलिथिक, कह रहा कि 8,000 से 6,000 साल पहले की बात है ये। और इसके अंदर जो पत्थर थे वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, पॉलिश्ड पत्थर थे। जिंदगी में पहली बार जब एविडेंस मिले थे तो लोग भी चौंक गए थे, इन्होंने खोया था कि पॉलिश पत्थर कैसे हो सकते हैं। लेकिन पॉलिश पत्थर का होना है मेरे हिसाब से, और जो फैक्ट है वो उसके हिसाब से है कि देखिए आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक रहेगी तो आपको उससे लगाव हो जाता है। अब पत्थरों को तो इंसानों के पास 19 लाख साल हो गई थी, क्योंकि देखिए 20 लाख साल पहले मिले थे, अभी क्या चल रहा है 8,000 से 6,000 मात्र, यानी कि 19 लाख साल तो पूरी की पूरी वो पत्थरों के साथ में स्पेंड कर चुके हैं। तो जिस तरह सुल्तान टीपू की आपने तलवार देखी होगी, और आपने बाजीराव मस्तानी की जो बाजीराव था उसकी तलवार देखी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा चमकती रहती थी, शाइन करती रहती थी। कारण ये था कि वो चमकाते, अब सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले को हमेशा ठोकते पीटते या सही करते रहते थे। कारण ये था कि उन्हें उससे लगाव है, और उन्हें पता है कि अगर ये सही नहीं रहेगा तो फिर हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोन्स अब उनके लिए सिर्फ वेपन नहीं थे, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। कारण ये था कि वो और भी कामों में यूज़ होते थे, डिगिंग हो गया, स्विंग हो गया, और पोटरी बनाने में, मान लीजिए सहारा लेने में, और आर्ट में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑर्नामेंट्स भी अब वो लोग पत्थर के बना के पहनना शुरू कर दिया था, और कुछ एंटिक्स पत्थर की मूर्ति बना ली, कुछ बना लिया, ऐसी चीज़ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था पत्थरों से ही, ठीक है। और थोड़ी बहुत आर्ट तो यहीं पर सीख चुके थे, पोटरी अभी क्या है, यहाँ जो गढ़े पक्के थे वो अब पक्का होना शुरू हो गए, यहाँ पर कच्चे थे ना गढ़े, वो अब क्या हो गए, यहाँ पर पकना शुरू हो गए। पकने के बाद में जो घड़ा आज हम देखते हैं वो उस टाइम पर नियोलिथिक एरा में शुरू हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम चाकोलिथिक एरा की। चाकोलिथिक एरा इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉपर आ गया था, सी फॉर कॉपर एंड सी फॉर चाकोलिथिक।
चाकोलिथिक में कॉपर का इस्तेमाल हो गया था, यूटेंसिल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और स्टैचूज में भर भर के इस्तेमाल किया था जो हमारे उस समय के लोग थे। मैंने लिखा हुआ है एविडेंटली इस्तेमाल किया था, ये नहीं था, क्योंकि यार देखो आर्ट तो वो पहले ही सीख चुके थे, अब उनको किसी एक ऐसी चीज़ की जरूरत थी जो आसानी से किसी भी चीज़ में मोल्ड किया जा सके। उनको क्या मिल गया? कॉपर मिल गया, जो कि मेलिएबल था, डक्टाइल था, यानी कि खूब खींचा जा सकता है, उसकी शीट बनाई जा सकती है, उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। ऐसी एक चीज़ की जरूरत थी जो उनको मिल गया किसके तौर पर? कॉपर के तौर पर। और फिर उन्होंने मौके को बनाया और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया। 4500 साल पहले ये हुआ था और 3500 साल पहले इसके जस्ट बाद में आपको मिला क्या? घूमता हुआ पहिया। हो सकता है इतना सब सामान उन्होंने कर लिया हो, इसको ले जाते हो, किसी दिन उनको ख्याल आया हो कि यार अगर इसको ऐसे कर घुमाओ, किसी जैसा कि हिस्ट्री की कुछ किताबों में मैंने पढ़ा भी है कि अगर इसको हम घुमाते हैं, उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि एक ऐसा ट्रंक थी पेड़ की, तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्रंक्स ली और उनको घुमाना शुरू कर दिया था। ये ऐसे जो ट्रंक है अब ये घूमेंगी, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ रख दो, इनको घुमाते जाओ घुमाते जाओ, ये आगे बढ़ती जाएंगी ना। तो कुछ इसी तरह से उन्होंने पहिए का जो इन्वेंशन था वो किया था। ऐसा मैंने कहीं किताब में पढ़ा जो नहीं यही हो, लेकिन जो भी था 3500 साल पहले आपका जो पहिया था वो दुनिया में आ चुका था इंसानों के पास। तो ये थी ये वाली स्लाइड, अब देखते हैं आगे क्या है। अब बात आती है, देखिए मैंने इतने सारे पत्थरों की बात की, हथियार बनाते थे, ये बनाते थे, तो फिर आप ये बताइए कि इसके तरीके क्या थे? इसके तरीके थे सिर्फ दो। पहला स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि एक पत्थर लो हथौड़े की तरह और दूसरे पत्थर पर किसी चीज़ की तरह फट्टे से मार दो, और मार दोगे तो क्या होगा, इसका एक जो नुकीला पत्थर निकल के आएगा, कोई भी पत्थर टूटेगा ऑब्वियस सी बात है, एक साइड से नुकीला होगा, एक साइड से थोड़ा क्रूड होगा, उसको किसी में फेंके मारोगे गारंटीड सी बात है इसके किसी ना किसी की चोट तो ये लगा ही देगा, या फिर आप पेड़ में गाड़ोगे तो यहाँ पर गड्ढा कर देगा, जमीन में गड्ढा कर देगा, तो एक काम की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ऐसी इसमें से मान लो ये करवा मारेगा तो ये एक तीन चार पत्थर इस बार में ले सकते थे। एक और आता है प्रेशर फ्लैकिंग मेथड, पहले ये करते थे, इसका थोड़ा सा एडवांस हुए प्रेशर फ्लैकिंग, इसमें एक छेनी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने लगे ये लोग बीच में, इससे इस पर मारो, इससे क्या कि थोड़ा जैसा पत्थर होना चाहिए जिस शेप का चाहिए पत्थर बर्बाद कम होगा, शेप का पत्थर उन्हें जल्दी मिल जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं आगे की स्लाइड। केव साइड्स ऑफ इंडिया ने बात की थी आपसे भीमबेटका और कुंडूल की केव्स की कुछ देर पहले, और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पेंटिंग्स थी कैसी। वो ये देखिए, ये है भीमबेटका की पेंटिंग, यहाँ पे दिखाई है, ये इस वाले में दिखाई है, देखिए कुछ जानवर इस वाले में और इसमें दिखाई है उन्होंने, ये हंटिंग बजाते हुए लोग हैं, ये देखिए हंटिंग बजाते हुए लोग इस वाले में आपको दिखाएंगे और इसमें दिखाई है आपको जानवर, इसमें आपको जानवर दिखाई है। और ये हुई आज की पेंटिंग नहीं है, ये है आज से 30 साल पहले की। 30 साल पहले भी लोग इतने ही क्रिएटिव थे जितने के आप हैं। आज भी आपको ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग और पेंटर्स देखने को मिल जाएंगे जो ऐसी ही पेंटिंग करते हैं, वो करनी भी चाहिए, काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। ठीक है, इस समय ये सारे के सारे रंग हैं वो नेचुरल रंग हैं, सारे के सारे जो कलर हैं वो नेचुरल कलर हैं, और उसी तरह की कुछ नेचुरल पेंटिंग्स हमारी विदेशों में भी पाई गई थी इसी एरा से रिलेटेड, यानी कि तब लोग जो गुफाओं में रहते थे वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खेती शुरू हो गई थी, एक और मैंने आपको एक और बता देता हूँ कि ये देखिए नियोलिथिक एरा में मैंने आपसे कहा है कि जो एग्रीकल्चर था उसकी हुई थी शुरुआत, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई नियोलिथिक एरा में। अब जो किसान है, मान लीजिए किसान है वो सिर्फ अपने लिए तो खेती करता नहीं है, ठीक है, वो तो मान लीजिए 10 लोग भी 100 में से खेती कर रहे हैं तो बाकी लोगों को ज़्यादा खेती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो हंटिंग करेंगे सबके लिए और इतने भी सबका पेट भर जाता है, यानी कि लोग जो होंगे अब बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, या तो ऐसे फालतू बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, इंसानी दिमाग में फितूर तो कुछ ना कुछ चढ़ता रहता है उस पर, और ऐसे करके पेंटिंग करना शुरू कर देंगे, और पेंटिंग करेंगे जब वो यहाँ पर ये पेंटिंग करेंगे, कुछ लोग बनाएंगे पॉटरी, और इसी तरह से वो लोग और ज़्यादा एडवांस समय के साथ होते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास एग्रीकल्चर आ चुका है, पेड़ बनने के लिए उन्हें बार बार शिकार पर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अब ये देखिए पहले मैं दिखा दूँ आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश में 30 साल पहले की फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, एनसीईआरटीज में है ये भी और ये मैप भी, इस मैप को भी आप रट लें जो भी करना है, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एम और ये आई मुंबई इंडियंस है मेरी तरफ से। ठीक, कारण ये है ये भी एनसीईआरटी में और इसमें सारी की सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो दी हुई हैं। मैं आपको फिलहाल दिखाता हूँ भीमबेटका का ये रही, मैं आपको बताई जाऊँ इसके बारे में। अब बात आती है कुर्नूल केव्स की, आंध्र प्रदेश में है ये हो सकता है, देखिए स्केल नहीं है क्योंकि ये मैप, तो हो सकता है छोटी चीज़ें इधर उधर हों, लेकिन ऑलमोस्ट उधर ही है, साउथ की और नॉर्थ में नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ लेटीट्यूड में डिफरेंस हो, लॉन्गीट्यूड सबका सेम है। ठीक है,
लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, लैटिट्यूड सबका सेम है, सॉरी मैं गलत बोल गया था, लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, लैटिट्यूड सबका सेम है, ठीक है। ये नहीं है कि नॉर्थ की जीन साउथ में आगे खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर वो सिर्फ थोड़ा इधर लेफ्ट और राइट का अंतर हो सकता है बस। तो इसीलिए जो कुंडल किए थे वो आंध्र प्रदेश में है, वो कहेगा कर्नाटक, ठीक है भाई मान लो, लेकिन वो है आज की डेट में कहाँ, आंध्र प्रदेश में ही। अच्छा ये वाली साइट है वो भी पहले लेते क्या, 30 साल पहले की बात है, क्योंकि ये इसमें देखिए कहीं लिखा भी है, हाँ ये रहा 30 साल पहले की बात है, और ये है ये भी तभी 10-20 हजार साल पहले की बात है, यानी कि ये भी पैलियोलिथिक साइट ही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बहुत फेमस हुई थी, पहले गुफा को देखते हैं सुंदर लग रही है लाइटिंग के साथ में, दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो आग होती है ना आपकी, आग ये जो आग होती है इसके पहले एविडेंस भारत में कहीं पाए गए हैं तो इस जगह पे, ठीक है कहाँ, कुन्नूर की गुफाओं में, सिर्फ इसी जगह पर आपके सबसे पहले फायर के एविडेंस है वो पाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये थी कुन्नूर की गुफाएं, ठीक है। हम चलते हैं आगे, हंस की कर्नाटका लाइमस्टोन के अपने टूल्स के लिए बड़ी ज़्यादा फेमस है, बाकी जगह पे मिलते थे हार्ड पत्थर के टूल, यहाँ पर मिले हैं लाइमस्टोन, सॉफ्ट पत्थर के टूल में यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं लाइमस्टोन के टूल, और हंस के का ये रहा, ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। और अब बात आती है आपकी इनकी, ये देखिए ये क्या है, ये इनके टूल्स, और इनको इस तरह से ही रख देते थे, अपने इधर रखे हैं कुछ सब तरफ इधर ऐसे करके ये लोग रख देते थे, और फिर बनाते थे ऐसी लाइन धागे से किसी चीज से एकदम सीधी लाइन में ये लोग रखते थे अपने पत्थरों को, और फिर इसके क्रॉस करके क्रॉस सेक्शन में भी और ऐसे भी दोनों तरह से ये लोग रख देते थे अपने जो टूल्स होते थे, उन्हें टूल क्या है वही पत्थर है उनके भी टूल, क्योंकि पहले रहते साइट है वहाँ पर कुछ तो होगा नहीं, सिर्फ पत्थर ही होंगे, ठीक है अब पत्थर हैं तो उनको उन्होंने रख दिया, ठीक। इसको बोलते हैं हम एचिलियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है हंसकी का, और ये जो साइट है उसी के लिए फेमस है। तो ये तीन साइट थी आपकी पहले रहते जो मैंने आपको बता दी, बाकी 30 साइटें आपकी पहले रहते नहीं है, और हंसकी का ये रहा मैंने आपको बताई चुका पहले। अब बात आती है दाऊजली एडिंग की, दाऊजली एडिंग मैंने बताया था ये वैसे गारो के पास है, गारो खासी इनके पास, लेकिन फिर भी ये भी उनसे खास ज्यादा दूर नहीं है, तो आप इसको ही सही जगह मान सकते हैं। तो दाऊजली एडिंग अर्लीस्ट फूड प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले जो चावल की खेती थी वो इसी एरिया में हुई थी, तो ये जगह काफ़ी फेमस है। एक जेडाइट नाम का पत्थर पाया जाता है, जेडाइट ये लिखा हुआ देखिए, जेडाइट पत्थर जो कि चाइना में होता है, इस जगह नहीं होता नेचुरली, ना इंडिया में कहीं होता है नेचुरली, तो चाइना से यहाँ कैसे आया ये एक संशय की बात है, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन उस समय शुरू हो गया हो और इंटरनेशनल ट्रेड भी उस समय शुरू हो गया हो, इंटरनेशनल और नेशनल क्या सभी तो उस समय कोई बाउंड्री समय सबसे हो सकता है देशों की बनी हुई ना हो, फिर भी चाइना का पत्ता यहाँ तक आया यानी कि ट्रांसपोर्टेशन तो था। दूसरी बात आती है पॉटरी ऑफ फॉसिल्स की, इस समय जो पॉटरी थी बहुत बढ़िया तरीके से होने लगी थी, क्योंकि ये मेसोलिथिक की साइट है, ये मेसोलिथिक की साइट है, मेसोलिथिक की साइट आप कैसे गेस कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको याद हो तो इसी एरिया में शुरू हुआ था, और राइस और गेहूँ मैंने आपको बताया था कि इसी टाइम में हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। दूसरा ये फॉसिल्स, आप अगर देखेंगे फॉसिल्स को, इतने सुंदर फॉसिल्स होते हैं, ये जेडाइट के पत्थर हैं, और मोस्टली जो ज़्यादातर फॉसिल्स हैं आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मेहरगढ़ में जो कि पाकिस्तान में अभी, तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर घर मिले हैं यहाँ पर, कुछ गाँव ऐसे मिले हैं जिसमें कि एकदम स्क्वायर रेक्टेंगुलर घर थे, मैं साफ करके एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं आपको इस तरह के घर, और आज से लगभग 10-20 हजार साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है, ठीक है। ये भी मेसोलिथिक है, ये भी मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। वीट और बाल्टी मिले हैं यहाँ पे भी, मेहरगढ़ कहाँ, ये रहा पाकिस्तान में पाया जाता आज, इंडिया में नहीं है। अब बात आती है बुरजोम की, तो बुरजोम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ये न्यूलिथिक साइट है, मुझे लगता है शायद भारत की पहली न्यूलिथिक साइट है ये, और हाँ मान सकते हैं आप इसको। और अर्थन पेट आउट्स मिले हैं यहाँ पर, अर्थन पिटाउट, आपने कभी लद्दाख गया हो कोई इंसान उसे पता होगा कि अर्थन पिटाउट कैसे होते हैं, जमीन के अंदर घर बना दिया जाता है उसी में लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, ठंड से बचने के लिए। अब जम्मू कश्मीर में पहले तो यार ठंड होती थी, यार बुरजोम ज़्यादा दूर नहीं है आपको, जम्मू कश्मीर में ही है, तो बुरजोम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पड़ती थी पहले ठंड, आपकी तरह जैकेट तो लोगों के पास होती रहती थी जो आपने पहनी हो जाए ओढ़ी और सो गए, तब होती थी बहुत ज़्यादा ठंड, लोगों के पास कपड़े होते नहीं थे, तो उन्होंने ये इंसुलेशन काम करती है मिट्टी, बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन इंसुलेशन होता है इसमें, और जो ठंड होती है वो अंदर नहीं आ पाती, बहुत बढ़िया तरह से इंसान इसमें छुपके रह सकता है और ठंड से बचा रहेगा, जो आज भी लोग लद्दाख के करते हैं अपने खाने को बचाने के लिए, वैसी चीज़ों को बचाने के लिए और खुद को भी बचाने के लिए लोग वहाँ अर्थन पेट में रहते हैं, और जो पहाड़ी पर लोग रहते हैं वो भी अर्थन पेट हाउस में रहा करते हैं आज भी, ठीक है। अब बात आती है पटने, ये मुंबई के पास है, यहाँ ये मुंबई है, इसके पास में ही है पटने,
महाराष्ट्र में आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि ऑस्टिच जो आज इंडिया में नहीं होते, वो पहले इंडिया में होते थे। उसका कारण यह है कि एक शेल मिली है ऑस्टिच के एग की, इस पर की गई है देखिए कारीगरी, ये आपको दिख रही होगी कारीगरी, ठीक है, ऐसी कारीगरी की गई है। और ये बहुत बड़ा अंडा था, उसका छोटा सा फॉसिल मिला है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ऑस्ट्रिच इंडिया में रहते थे, उनके जो अंडे थे उन पर तभी कारीगरी की जा सकती है, ठीक है। कोई इतना वो नहीं होता उस समय कि आपको बाहर से मंगाएगा उस पर फिर कारीगरी करेगा। तो ये एक अंदाजा है कि इंडिया में उस समय ऑस्ट्रिच होते, फैक्ट्री कहा जाता कही है, लेकिन आप इसे मानिए कि हाँ ठीक है, ऑस्ट्रिच इंडिया में रहा करते थे पहले, क्योंकि उसके एग पर क्या मिली है, शेल मिली है पटने में। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई गई हैं। तो ये आपको पूरा मैप, और इसमें जल्दी जल्दी से मैं आपको कहा दे रहा हूँ, टाइम बढ़ा जा रहा है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मेहरगढ़ ये रहा पाकिस्तान में, यहाँ पे क्या क्या मिला था, वीट मिली थी, बार्ले मिला था, शीप मिला था, गोट मिला था, कैटल मिला था, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिली थी कहाँ, मेहरगढ़ में। अब बात करते हैं आगे आपकी, और बात करते हैं आपके कोल्डी हवा और महागढ़। ये कोल्डी हवा महागढ़ दोनों के दोनों आज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और दो इम्पोर्टेंट साइट हैं कोल्डी हवा महागढ़ उत्तर प्रदेश की। और दोनों में क्या पाए थे, राइस पाए गए थे, एनिमल्स की बोन्स पाई गई थी यानी कैटल दोनों में थे, और फ्रेगमेंट्री पाई गई थी, फ्रेगमेंट्री यानी रखने की जगह, ठीक है। और हूफ मार्क ऑन द क्ले सरफेस, गीली मिट्टी पर अगर आपको निशान मिलते हैं, यानी कि तब गीली मिट्टी पर काम होता था, क्ले पर काम जरूर होता था, इस तरह निशान पाए गए हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसी साइट्स। वीट और लेंटिल दोनों में मिली है कहाँ, गुफ्रकाला और बुरजोम में, लेंटिल दोनों में मिला है, गुफ्रकाला और बुरजोम दोनों में गए, ठीक है, यहीं पर गुफ्रकाल है, कन्फ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। दोनों की दोनों ये जो साइट हैं, ये जो दोनों की दोनों साइट हैं, ये कहाँ है आपकी, यूपी में ही है, ये सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है। ये रहा गुफ्रकाल और ये रहा बुरजोम, दोनों के दोनों मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए जी, ठीक है, गुफ्रकाल है ये, और गुफ्रकाल और बुरजोम दोनों के दोनों कहाँ हैं, कश्मीर में, और वेंटेड लुई कैटल शीप गॉड बफेलो ये बुरजोम में मिला है। अच्छा, डॉग के बारे में ये कहा जाता है कि डॉग सबसे पहला जानवर था जो इंसानों ने पाला था, कारण ये है कि डॉग बहुत ज़्यादा सचेत होता है, वफादार होता है, उसको पता चला कोई भी अनजान चीज होगी पहले तो भौंकेगा। मान लीजिए आप सो रहे हैं और कोई शेर आ गया आपके घर के पास में, बहुत जोर जोर से भौंकेगा, आपकी नींद तोड़ देगा और आपकी जान बचेगी, अगर आ गया बता देगा आपको तो बचेगा, इसीलिए डॉग हमेशा वफादार रहा है और पहला ऐसा जानवर था जो कि पालतू रहा था। बाकी कैटल वगैरह ये सब बाद में हुई थी, क्योंकि जब उनके फायदे पता चल गए थे लोगों तब, ठीक है, वो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब आए आती है चिरान की, चिरान कहाँ है, बिहार में, ये रहा चिरान बिहार में। और क्या क्या पाया गया यहाँ पे, पाया गया वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो और ऑक्स। ऑक्स अगर मैं ऑक्स की और ग्रीन ग्राम की बात करूँ, सबसे पहले पाए गए हैं कहाँ, चिरान में। ग्रीन ग्राम आप इससे याद कर सकते हैं, जो सत्तू होता है उसके अंदर बोला जाता है आपका चना, और चना जो हमारा ग्राम होता है उससे आप याद कर सकते हैं कि ठीक है ग्रीन ग्राम कहाँ, चिरान में रहा हुआ। और जो बुल था, बफेलो और ये तो आपको बहुत जगह दिखेंगे, लेकिन जो बुल और ऑक्स की अगर मैं बात करता हूँ, बुल तो नहीं, बुल तो सांड हो जाता है, ऑक्स जो हमारा पालतू होता है वो हमें मिला था कहाँ, चिरान में, ठीक है। बात करते हैं मिलेट की, कैटल की, शीप की, गोट की, पिक की। तो ये हलूर में मिले हैं, हलूर कहाँ, ये रहा, ये भी देखिए मैं कह रहा था जो लेफ्ट राइट हो सकता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है और उसमें थोड़ा सा उधर दिखाया है, कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे चीज़, बस मैं इतना ज़्यादा देख लो, बस आपको अंदाजा होना चाहिए ऊपर है नीचे है, ठीक है। तो मिलेट, कैटल, शीप, गोट और पिक, पिक दो जगह मिले हैं दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में, और मिलेट भी दो जगह मिली हैं दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में, एक पय्यमपल्ली में और एक हलूर में, ये दोनों की दोनों जगह कहाँ हैं आंध्र प्रदेश में। और पिग और ये यहाँ पे पहली बार मिले थे मिलेट, ठीक है, उस समय, क्योंकि उस समय शायद यही सबसे अप्रोप्रिएट जगह थी मिलेट के लिए, उस समय की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा दिल पर ना ले लें कि अरे सर आज तो ये वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय सबसे अप्रोप्रिएट जगह आंध्र प्रदेश ही थी, यहाँ पर मिलेट हो सकते थे, इसी डायमेंशन मिले, हो सकता और भी जगह हो, लेकिन आज के अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट जगह कहीं थी तो आंध्र प्रदेश थी, इसीलिए वहाँ पर ही मिले, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर, बस मेरा काम खत्म, और अब आपका काम शुरू होता है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमें, ये वहाँ पर बेल आइकन होता है उसको दबाएं, उससे जब मैं जब भी वीडियो डालूंगा ऐसी तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। और आप प्लीज़ ये सब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कारण ये है कि देखिए मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अगली वीडियो होगी आज या एक दिन में ही डालूंगा, मैं कल ही डालूंगा शायद, और उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहरों के बारे में, मौर्या से जस्ट पहले का मैं सब कुछ उसमें कवर करा लूँगा, और दो चैप्टर लाएंगे बस, उसके बाद में आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी पूरी जानकारी मैं उसमें ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। सो मेरा काम इतना ही था, थैंक यू अब तक मेरा साथ देने के लिए, और बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।